ठंडा हो गया काजी? मैं महुआ बीन रहा हूँ, लेकिन यार ये सूखे सूखे से महुआ है ना। पहले मैं रस निकालूंगा इसका, ये राख उठाने का। ठीक है डीजे डीजे मुरली डीजे मुरली। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली। आप लोग कैसे हैं? ये जो होली का त्यौहार है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से मनाए होंगे, क्योंकि आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो होली खत्म हो चुका होगा। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये भारत है भाई, जब चाहो तब दिवाली, जब चाहो तब होली है। ठीक है, और अभी तो मैं रंग खेलने की शुरुआत करने वाला हूँ, शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, और यार बहुत सारे रंग मैंने रखे हुए थे लेकिन ये सब कुछ मिल गया भाई, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं भाया। सबसे पहले तो खुद के ऊपर लगा ले तो थोड़ा अच्छा लगूंगा, कलरफुल। अभी तो मैं घर में ही हूँ, यही कोई 8:30 बज रहे होंगे सुबह के। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस साल का ये होली आप लोगों ने कैसा मनाया। ठीक है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी कोतबा में हूँ, जा रहे हैं पत्थल गांव के पास। मैं पिकअप ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखिए, और ये आगे कार में पापा हैं। हम लोग कार बनवाने के लिए जा रहे हैं पत्थल गांव। गाड़ी का इंजन बार बार हीट हो जा रहा है। इंजन को ठंडा रखने के लिए जो लिक्विड डालते हैं, जो ऑयल होता है, वो भी ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोगों ने बनवाया था वैसे, लेकिन पता नहीं यार कौन कौन से पार्ट खराब हो गए हैं, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता होता है यार। तो हम सोच रहे हैं कि कार को पिकअप में बांध के खींच के ले जाया जाए पत्थल गांव तक। पत्थल गांव से थोड़ा पहले ही ये इधर है कोतबा का बस स्टैंड। ओए पापा जी रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हैं यार? मेरे पापा तो भागे जा रहे हैं, ऐसे में तो गाड़ी पूरी तरह हीट हो जाएगी भाई, आग लगने का भी खतरा है दोस्त। ये भाई रुके हुए हैं रास्ते में। यार मैं गाड़ी में डीजल डालने भूल गया। हाँ पहुँच जाइए, गाड़ी को बांध के खींचने की तैयारी अभी, लेकिन मैं हारा दूंगा रोक में तुरंत। हाँ यहाँ गाड़ी चेंज कर रहे हैं, अभी मैं पिकअप ड्राइव कर रहा था, इधर खड़ी है, अभी पापा वो ड्राइव करेंगे और मैं कार, मैं पीछे पीछे, पापा आगे आगे। अभी शायद ही वीडियो बनाऊंगा मैं दोस्तों ड्राइव करते हुए, क्योंकि ये सिचुएशन अलग है ना। गाड़ी जब बंद होती है ना तो स्टीयरिंग लॉक हो जाता है दोस्तों, और गाड़ी बंद करके ही जाना है, थोड़ा रिस्क है। कहाँ है ओ करो तो यार, हमारा प्लान काम नहीं आ रहा है। इधर दोनों गाड़ियां खड़ी हैं भाई, क्या है ना जब गाड़ी का इंजन बंद होता है तो स्टीयरिंग तो काम करता नहीं है, लेकिन ब्रेक भी काम नहीं करता, और ब्रेक काम नहीं करता तो थोड़ा खतरा तो है। और गाड़ी का इंजन चालू करके जाना होगा तो फिर रस्सी बांधने का कोई मतलब है नहीं। गाड़ी का इंजन चालू होने से गाड़ी पूरी तरह हीट हो जाता है यार, बहुत खतरा है भाई। और ये कोहरा ही कोहरा भाई दोस्तों, ये खींचा ताने वाला आइडिया काम नहीं आया। अब ऐसा डिसाइड हुआ है कि मैं अकेले लेके जाऊंगा कार को, ऐसा करूंगा कि हर 5-10 किलोमीटर में रुक जाऊंगा और गाड़ी के ठंडा होने का थोड़ा वेट करूंगा, फिर उसमें पानी डालूंगा, फिर 10 किलोमीटर जाऊंगा, फिर पानी डालूंगा, फिर वेट करूंगा, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा जब तक मैं पत्थल गांव नहीं पहुंच जाता। पापा यहां से पिकअप लेके वापस घर जाएंगे, मैं पत्थल गांव जाऊंगा। बाय पापा जी। वो हो खुशखबरी जी, खुशखबरी, सत्या भाई रास्ते में मिल गए हैं, इधर हैं। ये फैशन का कौन सा पार्ट है भाई? लेकिन यार इससे मैं धूप बचने का और धूल खाने से बचने का दो काम एक साथ कर रहा हूँ। जाने जी इतना बड़े रास्ता नहीं दिखा देगा हैं? और थोड़े से पत्थर में जा दो दीपक के साथ, दादी वाला थोड़े जा रहे लोड़े तो आत रहे तो दीपक मिल गया। चल छोड़ से पत्थर गाँव जाओ बोला था, तो मैं गाड़ी का तोड़ देख छोड़ रहा था, तो मैं एक टेम्पी ले जाऊँ। हाँ ठीक बत्तर खाई समझे। तो कहाँ से चलते हैं? चली कहाँ थी?
चल चाबी कहाँ से आ रही है जी। अभी इस गाड़ी से मैं स्कूटी में ट्रांसफर हो रहा हूँ। ये गाड़ी छोड़ने वाले हम लोग आगे। अभी तबीयत खराब था ना भाई, सत्या भाई का तबीयत खराब था होली खेलने के बाद, थोड़ा ज्यादा होली खेल लिया भाई। पानी डालते डालते ले जाएंगे। स्टील वाटर आता है और कूलिंग आता है ना डब्बे में, वो डाला था भाई। चलो एक बार गैरेज में दे चुके गाड़ी और उसने बोला था कि जाओ भाई गाड़ी बन गया आपका। और फिर जब बने हुए गाड़ी को, मतलब उसकी नजरों में बने हुए गाड़ी को घर पे लेके आए तो पहले से और ज्यादा गर्म होने लगा। अभी फिर रुके हुए हम लोग रास्ते में गाड़ी ठंडा करने के लिए। दे भाई पानी, हम लोग भी पी लेते हैं। बस गाड़ी को पिलाते रहेंगे और हम लोग नहीं पियेंगे तो हम गर्म हो जाएंगे दोस्त, फिर हमको ठंडा कैसे करेगा कोई। हाँ तेरा बोतल याद रखना ना। मेरा ठंडा पानी है, दो बोतल लिए थे, एक सत्या भाई के लिए नॉर्मल पानी क्योंकि उसका तबीयत खराब है ना। लो डूड से मोहब्बत काहे बंद कर दिया। सुपरहिट सॉन्ग्स परेड के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सन 1962 के सुपरहिट गाने। धरने धरने दे लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार। देखिए दोस्तों आम के पेड़ लिया जाता है, बहुत सारे आम फले हुए हैं भाई इस साल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, तेरे नाम। डीजे 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 मुरली डीजे मुरली। सुस्त लग रहा है तेरे को? सुस्ती लग रहा है, सुस्ती लग रहा है। चल घूम के आते हैं। फिर रास्ते में रुक गए हैं, गाड़ी को रेस्ट के लिए छोड़े हुए हैं भाई। रेस्ट इन पीस ना हो जाए बस। ये चौथी या पांचवी बार हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पास में एक महुआ का पेड़, इधर देखिए। अब मैं बताता हूँ महुआ का पेड़ क्या होता है। यहाँ हमारे क्षेत्र में देसी शराब जो होता है ना, जो घरों में बनाते हैं देसी शराब, इस महुआ से ही बनाते हैं। ये जो महुआ है ये फूल है एक्चुअली, और इसका जो फल है वो होता है डोरी, उसका ऑयल बनता है तेल हाथ पैर में लगाने का। पहले के लोग तो उससे जैसे रिफाइंड ऑयल का भी काम आता था, वो देसी बॉडी लोशन आप बोल सकते हैं जो डोरी का तेल होता है ना। आज भी गाँव में जो पहले के लोग हैं डोरी के तेल को हाथ पैर बालों में लगाते हैं और रिफाइंड ऑयल और सरसों तेल की जगह पे वो इस्तेमाल करते हैं डोरी का तेल खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। हाँ यार खाने में सब कुछ आता है भाई, खाना मतलब जरूरी चावल ही ऐसा थोड़ी है। सत्या भाई दो तीन महुआ थोड़ा उठाओ यार, दिखाते हैं। पहले हम लोग भाई सुबह हुआ कि नहीं टोकरी प्लास्टिक ऐसा उठा के चले जाओ महुआ बीनने के लिए, और हम लोग इकट्ठा करके बेचते थे और बर्फ काटते थे उससे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि महुआ के बारे में। ये देखिए दोस्तों ये है महुआ, ये इसका बनता है देसी शराब। ये तो छोटा सा पेड़ है, बड़े बड़े होते हैं भाई, उधर के साइड में है काफी। महुआ पीने के बाद पहले सुखाओ, मिट्टी के बर्तन होते हैं देसी शराब बनाने के लिए महुआ से। मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है और वो बर्तन भी मैंने दिखाया है कि वो मिट्टी का बर्तन कैसा होता है जिससे शराब बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं वाला वीडियो है ना इस चैनल पे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आप ये देख पाएंगे कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं देसी फ्रिज। एक आइडिया है मेरे पास, आ बताता हूँ। फिर से हम लोग महुआ पेड़ के पास जा रहे हैं। महुआ बीन रहा हूँ लेकिन यार ये सूखे सूखे से महुआ है ना। पहले मैं रस निकालूंगा इसका। आप कुछ लेटर लिखने के जगह पे आप यहाँ पर डिजाइन भी बना सकते हैं वैसे। अब इसका अगला प्रोसेस क्या होगा आओ मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब क्या करने का कि ये देखिए ये राख उठाने का, ठीक है, और ये राख इसके ऊपर डाल देने का। भाई तू जानता था ऐसा?
देखो हो गया ना रेडी। ये टेम्पररी टैटू है, सत्या भाई बनवाया हुआ है, एस लिखवाया है, ये परमानेंट है। और ये जो मैंने अभी बनाया है थोड़ी देर के लिए, इसको जब चाहे तब मैं मिटा सकता हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये टैटू, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी मैं अपना हाथ धो लेता हूँ। यार देख रहे, मैंने अपना हाथ काला कर लिया, मुँह तो नहीं। मिनरल वाटर से हाथ धोऊंगा, इतना बड़ा आदमी बन गया रहता हूँ मैं। हैं, ये तेरा बोतल से मेरा है पता नहीं, तेरा है बता ना, ले ना काकरोच रहेगा। अब तक तो गाड़ी ठंडा हो गया होगा, रुको मैं गाड़ी से देख पूछ लेता हूँ थोड़ा। ठंडा हो गया का जी, पानी पीबे? बोल रहा है कि पानी पीऊंगा, सॉरी पीऊंगी बोल रही है। कार तो फीमेल है ना। चाहिए सर, उधर चाहिए, लीजिए इसको। चाबी कहाँ किस रहे? फिर रुके हुए थे रास्ते में, एक दो बार तो और एक्स्ट्रा रुके हुए हैं जिस टाइम में वीडियो नहीं बनाया था। और आज क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, आज मेरे फोन पे भी एक नोटिफिकेशन आ रहा था, कि योर फोन ओवर हीटिंग ऐसा कुछ करके लिखा रहा था। आज मेरा फोन भी हीट हो रहा है भाई, यार सब कुछ हीट हो रहा है यहाँ पर। सत्या भाई भी हीट हो गया, कल हीट हुआ था ये भाई, तो पूरा हीट है। यार मैं हमेशा गलती कर बैठता हूँ, मैं फिर से फोन चार्ज करने भूल गया था भाई। 32% चार्ज थे जब मैं आया, अभी 16% बचा हुआ है, जो कि मुझे बचा के रखना होगा। और इस वजह से मैं वीडियो भी कम बना पाऊंगा, सॉरी दोस्तों। फिर से टाइम हो गया भाई एक बार गाड़ी रोकने का, बस छाया देख रहा हूँ कॉलेज के पास। सर आपको कोई कॉलेज में काम है क्या? ये देखिए दोस्तों, ये ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय पालीडीह चौक के पास हम लोगों को जाना है। आज ये कार छोड़ना है दोस्तों, और एक दो दिन के बाद लेने के लिए आना है। आ तो रहे हैं हम लोग, लेकिन वापस कैसे जाएंगे उसका पता नहीं। बस तो चलती है, लेकिन टाइमिंग शाम का है। आज है ही नहीं है वे बस, आज नहीं है ही नहीं। अच्छा, दो दिन छुट्टी। फाइनली पहुंच गए हैं भाई यहाँ पे मारुति सुजुकी शोरूम के पास। ये हमारी कार खड़ी है आफत, कार वहाँ खड़ी करके पत्थल गाँव आए हुए हैं। वहाँ पर एक दोस्त थे वापस जाके बाइक छोड़ना, फिर वापस जाना है। ये पत्थल गांव की बस स्टैंड, कुछ बस तो चल रही हैं। रायगढ़ वाले चिल्ला रहे हैं, अंबिकापुर वाले चिल्ला रहे हैं। हमारे तरफ जाने वाली बस क्यों नहीं चल रही भाई? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल फोन ऑफ हो गया था मेरा, वीडियो नहीं बनाया, कल अभी बना रहा हूँ मॉर्निंग में। पत्थल गांव से यहाँ घर तक हम लोग लिफ्ट लेते हुए आए, 50 किलोमीटर है यहाँ मेरे घर तक की दूरी पत्थल गांव से। वैसे ये वीडियो यहाँ पर मेंट करने वाला हूँ, ये जो वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों से जरूर बताइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, आप लोग जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।